डियरुडेंट्स वी हैड स्टडीड अबाउट फ्रैक्शन एंड सम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन टुडे वी वी लर्न एंड अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर वन डेमल फ्रैक्शन फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर सैन हंड्रेड और थाउजेंड आर एनी अदर हायर पावर ऑफ टेन आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन यानी जिनके डिनोमिनेटर दस सौ हजार दस हज़ार इस तरीके के हों वो सब फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं सेकेंड है वॉलगर फ्रैक्शन फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर एज होल नंबर्स अदर देन एनी पावर ऑफ टेन आर कॉल्ड वॉलगर फ्रैक्शन इनको हम कॉमन फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं इनके एग्जाम्पल हैं फाइव पॉइंट थर्टी वन फोर हंड्रेड थर्टी पॉइंट नाइन नाइन एट्सट्रा सिंपल फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस हैविंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज होल नंबर आर कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शंस हैविंग आइदर आर बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज़ फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिसे अगर कोई भी फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर भी अपने आप में फ्रैक्शन हो डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन हो तो वो क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बी चेंज द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इनटू टू आर डिवीजन सम दैट इज डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर फॉर एग्जाम्पल टू अपॉन फाइव अपॉन थ्री हियर टू विल बी डिवाइडेड बाई फाइव पॉन् थ्री मैंने पहले ही बोला था कि इनको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को जो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं इनको डिवीज़न सब में पहले चेंज करते हैं तो टू अपॉन फाइव पॉन्थ थ्री है तो इसको हम लिखेंगे टू डिवाइडेड बाई फाइव पॉइंट थ्री यू नो दैट वी कैन राइट टू को एज टू अपॉन वन और डिवीज़न के चिन्ह को हम मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह में बदल देते हैं और इधर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बदल देते हैं यानी फाइव अपॉन थ्री वो थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा इस प्रकार बिगेट सिक्स अपॉन फाइव एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाई द सेम नॉन जीरो नंबर यानी किसी भी फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपॉन फोर अपॉन फाइव देन वी कैन राइट फोर इंटू थ्री अपॉन फाइव इंटू थ्री ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन आर सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी इस प्रकार से हम इन फाइनइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू मेक नोट